हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको पेन ड्राइव की स्पीड बढ़ाना बताऊंगा कि पेन ड्राइव की आप स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। और आप अगर कोई नए पेन ड्राइव ले रहे हैं तो उसके बारे में बताऊंगा कि आपको कौन सा पेन ड्राइव लेनी चाहिए। ये मेरी पेन ड्राइव है, इसको थोड़ा सा डेटा है, इसे फॉर्मेट मार देते हैं। ठीक है, तो हम इसे NTFS में फॉर्मेट करेंगे। NTFS की मतलब फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, तो हम इसे फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मेट हो गया। तो ये दो फाइल है, एक फाइल ये 502 MB की है, एक EXE फॉर्मेट में, मतलब एक सॉफ्टवेयर के थ्रू फॉर्मेट में, और एक MKV फाइल है जो 600 MB की है। ठीक है, मतलब एक वीडियो और एक सॉफ्टवेयर फाइल। तो पहले एक सॉफ्टवेयर को डाल देते हैं, देख लेते हैं स्पीड कितनी आ रही है। ठीक है, लगभग इसने 20 MB से स्टार्ट किया और इस कितने डाउन कर दी 0 KB में। ठीक है, 350 KB। ठीक है, मतलब ये इसकी स्पीड है। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। तो पहले आपको सर्च बार में जाना है और यहाँ लिख लेना है CMD, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट लिखना है और इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। इतना करने के बाद आपको लिखना है डिस्क पार्ट। ठीक है, उसके बाद लिखना है लिस्ट डिस्क। उसके बाद आपको लिखना है कि आपकी कितने GB की है, 59.7। तो ये मेरे उसमें एक SSD लगी है, एक हार्ड डिस्क लगी है 2 TB की, और एक 1 TB की हार्ड डिस्क लगी है, और एक पेन ड्राइव लगी है। तो हमें करना है सिलेक्ट डिस्क, और ये कौन सी डिस्क है 3। इस जगह का सबसे ज्यादा ध्यान रखना, सिलेक्ट की स्पेलिंग गलत होगी थोड़ी। ठीक है, सिलेक्ट डिस्क 3, तो आपको 3 वाली ही सिलेक्ट करनी है। 2 या इनमें तो कोई सिलेक्ट ना करनी, खाली इस चीज में सबसे ज्यादा ध्यान रखें कि आपको डिस्क 3 सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो पहला काम हम कर रहे हैं अपना कि हम अभी इसको MBR से GPT में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आपको MBR GPT में कैसा फर्क पता चलेगा, ये जिसमें स्टार आ रखेंगे, ये मतलब मेरी GPT में है, और ये वाली मेरी MBR में, और ये वाली मेरे पीछे भी स्टार नहीं है तो ये भी MBR में। अगर आपको इसमें स्टार आ रहा था, आपको ये डॉस वाली कमांड करने की जरूरत नहीं, उसकी इसे स्किप कर देना। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे क्लीन। ठीक है, उसके बाद आपको GPT में कन्वर्ट करना है। GPT में कन्वर्ट करने के बाद आपको देख लीजिए इसमें क्या क्या चल रहा है। ठीक है, जगह पे ऐसा साइन आ गया। आपको लिखना है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी और फॉर्मेट FS, फॉर्मेट FS और NTFS, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और इसे फटाफट मतलब फॉर्मेट हो जाए इसलिए लिखेंगे क्विक। तो ये स्टार्टिंग हो गया है, उसके बाद तो चेक कर लेते हैं कि क्विक ही है। लिस्ट डिस्क लिखेंगे और देखिए साइन आ चुका है, इतना देखिए साइन नहीं था पहले। ठीक है, इतना लिखने के बाद एवरेज कर दीजिए, 12 आ चुके हैं। इसके बाद आपको ये वाला सिंबल होगा, इसमें जाकर आपको राइट क्लिक करना है, मैनेज में जाना है, और ये जाकर डिस्क मैनेजर, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। और आप 10 इस्तेमाल करो, 10, 11, तो आप सिंपल होम के बटन में राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा डिस्क मैनेजर, यहाँ से भी जा सकते हो, सर्च करके भी जा सकते हो। इसके बाद आपको अपनी पेन ड्राइव दिख लेंगी, जैसे ये, तो उसको इसमें आपको क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, पॉलिसी में जाना है, और इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद ओके कर देना है, आपको रिस्टार्ट के लिए बोलेगा, मैं इसमें नहीं बोला। ठीक है, पर ये रिस्टार्ट हो गया, आपको पहले से रिस्टार्ट कर देना उसी टाइम पे। और मैं एक बार इंटर कर देता हूँ, ओके लगा देता हूँ। ठीक है, वही है 59 64 GB की। ठीक है, तो इतना करने बाद इसकी फाइल ट्रांसफर करते हैं, पहले से कर देते हैं। ये देखिए इसके अंदर आ गई,
ये प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ। पेनड्राइव के अंदर कर दिया, फिर थोड़े से नो लोडिंग मिल गया क्योंकि पेनड्राइव क्लास फोर की है। पेनड्राइव में भी अलग अलग क्लासे आती है, क्लास फोर आती है, क्लास टेन आती है। तो अगर आप न्यू पेनड्राइव ले रहे हो तो आप क्लास फोर की ना लें। ये मेरे पे पुरानी पेनड्राइव थी, मैं इसलिए मैं आपको बताया कि पुरानी पेनड्राइव में स्पीड कैसे बढ़ाई जाए ट्रांसफर स्पीड से। बाकी कोई और स्पीड नहीं बढ़ेगी उसकी, या सोचो उसके अंदर काफी तेज स्पीड आएगी, सिर्फ ट्रांसफर स्पीड बढ़ेगी। वो भी लगभग 1 GB या 850 MB की फाइल आप एक बार में ट्रांसफर मार सकते हो। उससे ऊपर की फाइल ट्रांसफर मारोगे तो ये काफी लंबी लोडिंग लेगी, उसके बाद स्पीड एकदम कम कर देगी, मतलब भाई अपनी इस नॉर्मल स्पीड में आ जाएगी। सिर्फ आप 1 GB तक की फाइल है, लगभग 800 MB की फाइल मान लो, तो मैक्सिमम 800 MB मान लो, 800 MB की आप फाइल एक बार में ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे मैं दिखा रहा हूँ ये MP4 है और ये 502 MB की, मेरे उसमें इतना ही हो पा रहा है। बाकी ये देखो, और मैं आपको कोई बड़ी फाइल दिखाता हूँ। जैसे 1.2 GB की फाइल है, ठीक है, तो इस फाइल को मैं ट्रांसफर मारता हूँ, तो ये वाली की वाली, ये वाली, ठीक है, ये दोनों आ चुकी है। ये देखिए 1.2 GB की फाइल है, मैं कुछ प्रॉम्प्ट भी दिखाता हूँ। 1.2 GB की फाइल है, यहाँ से उठा के अगर मैं सीधे ये वाली आती है, देखिए यहाँ पर तुमने कुछ चीज सही लीजिएगा। ये कभी कभार कर देता है कि कभी डाउन कर देती है, इसने डाउन कर दिए, मैंने कहा था लगभग 850 MB की फाइल होगी, फिर उसके बाद से डाउन कर देता है, क्योंकि इसमें नॉर्मल स्पीड में आती है 1.2 इसके आस पास ही रहेगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी, तो लगभग ये 800 MB तक की फाइल को फटा करके भेज सकता है। और बस में यही है कि जो आपने सेटिंग की उसके बाद जो आप इसे इंजेक्ट करोगे, जैसे इंजेक्ट आपको इसे निकाल डायरेक्ट निकालोगे तो अपने अंदर का डाटा करना पड़ेगा, पहले आपको इसे इंजेक्ट करना पड़ेगा, बस आपको इस चीज का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे इंजेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जब इंजेक्ट सक्सेसफुली ले लेगा तभी जाके आपको इसे बाहर निकालना। और आपको अगर फाइल ट्रांसफर करनी है, मतलब फाइल ट्रांसफर करने के लिए सॉफ्टवेयर भी आता है, ठीक है, उससे भी आप स्पीड बढ़ा सकते हो। टेराकॉपी रहता है उसका नाम, ये वाला है, आपको इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको इसे बस इंस्टॉल कर देना है, और कुछ प्रोसेस नहीं रहती। तो एक ये सॉफ्टवेयर है जो आप जैसे डाउनलोड भी क्लिक करोगे, विंडो लॉन इस्तेमाल करोगे ये वाला करें, सॉरी हाँ विंडो विस्टा से और 11 के बीच में ये वाला है 20H2, ये भी वही है। और बाकी मैप के लिए है, और ये एंड्रॉइड वाली वाली है, पर एंड्रॉइड में स्पीड का ऐसा कुछ रहता नहीं है। ये सिंपली आपको इसे इंस्टॉल कर देना है, और बाकी आपको अगर इसे एक्टिवेट वगैरह करना होगा, अगर ये मांगेगा ये आपको इसे एक्टिवेट वगैरह करना है, इसमें बाइक ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आपको इसे एक्टिवेट वगैरह करना है तो विंडोज वाले इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। विंडोज की मैं आपको दे दूंगा, अगर आपको इसे एक्टिवेट करना है, अगर आपको इवेंट वगैरह करेंगे कि इसकी की चाहिए आपको, तो मैं इसकी आपको की भी दे दूंगा। तो ये तो नहीं पेन ड्राइव की बात, जैसे ये वाली पेन ड्राइव है, ये वाली आपको ये वाली पेन ड्राइव नहीं लेनी चाहिए, जिसमें ये लिखा 2.0 लिखा हुआ, ये क्लास फोर की होती है। क्लास फोर की पेन ड्राइव में लगभग आपको 2-3 MB की, मैक्सिमम 4 MB की स्पीड से ज्यादा नहीं, जैसे इसमें 14 MBPS/s लिखा हुआ, तो MBPS/s लिखा हुआ, ठीक है, तो MBPS को अगर MB/s में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग आएगा 2 MB के आसपास, 2 MB मतलब ट्रांसफर स्पीड देगा। आपको ये वाली पेन ड्राइव नहीं लेनी चाहिए। और जी इस टाइप की अभी ये भी वही पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, जैसे दिख रहे हो आप, ये वाली है, ये हाई स्पीड पेन ड्राइव होती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ट्रांसमिशन स्पीड होगी, ये 40 MBPS/s, तो ये भी उतनी फास्ट नहीं है, बहुत कम है। जहां तक मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इन पेन ड्राइव में, इन पेन ड्राइव में 3.2 में लगे हुए हैं, इन USB लगी हुई है, मतलब जानने का ये रहते हैं, ये इन्हें बोलते हैं 2.0, फिर आता है 3.0, 3.1, 3.2, 3.2 सबसे नया है, 3.2 फर्स्ट जनरेशन 2017 या 2018 में आया हुआ है। तो हाई स्पीड पेन ड्राइव जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली हाई स्पीड पेन ड्राइव है, तो इसकी स्पीड है देखिए 100 MBPS/s की स्पीड। तो ये आया तो नहीं कि 100 MB आपको एक बार में ही दे देगा, 100 MB का मतलब है लगभग आपकी 12-13 MB की स्पीड, मतलब जो ट्रांसफर स्पीड होगी 12-13 MB की होगी। और ये वाली पेन ड्राइव जैसे ये वाली ये फोन में भी लग जाती है, और इधर से आपके उसमें भी लग जाती है, कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप वगैरह में, ठीक है, दोनों पोर्ट है, ये इस तरफ टाइप सी पोर्ट है
और एक तरफ यूएसबी का, तो इसकी ट्रांसमिशन स्पीड है 150 Mbps की। आपको ये देख के लेना है, 150 Mbps का मतलब हो गया लगभग आपको 20 Mbps की स्पीड देगा, मतलब वन जो फाइल ट्रांसफर होगी 20 Mbps की। अगर आप नई पेन ड्राइव ले रहे हो तो आपको क्लास 10 की ही लेनी चाहिए, जिन्हें क्लास 10 की पेन ड्राइव बोला जाता है और इन्हें क्लास 4 की पेन ड्राइव बोला जाता है। तो क्लास 10 की स्पीड काफी बढ़िया रहती है, जैसे आपके लिए प्राइस काफी सस्ता रखा है, वैसे 64 GB का लगभग क्लास 10 का पेन ड्राइव, मतलब इनका प्राइस लगभग 1000 रुपये के आसपास रहता है। अगर आप किसी लोकल शॉप में ढूंढोगे तो 1000 रुपये के आसपास ही मिलता है, आजकल सस्ता होता है। ये जैसे ये हो गया, ये वाली भी जैसे मैंने आपको बताई है, इसकी भी बढ़िया पेन ड्राइव है, 100 Mbps काफी बढ़िया है, 5 ईयर की वारंटी है। और कंपनी की पेन ड्राइव ही ले, जैसे सैंडिस्क होगी, HP होगी, एनटी पेन ड्राइव ही ले, बाकी कोई लोकल पेन ड्राइव ना ले, ठीक है। और 3.0 का खासकर ध्यान रखें, जैसे 3.0 तो मतलब ये क्लास 4 3.0 क्लास 4 में नहीं आती, ठीक है। अगर आपको पहचाने में दिक्कत हो रही है तो 3.0 क्लास 4 में नहीं आती, क्लास 4 में नहीं आती। और इन पेन ड्राइव का जो बढ़िया बढ़िया पेन ड्राइव होंगी उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, 128 GB की है, ठीक है। जैसे आप 16 GB अगर ऊपर जाओगे तो नॉर्मल बूटेबल के लिए चाहिए, तब तो आप क्लास 4 की इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि आपने 8 GB या 16 GB की बूटेबल पेन ड्राइव बना दी जिससे आप विंडोज इंस्टॉल करते हो, उसको आप 4 TB की भी रखोगे, सॉरी 4 GB की या 8 GB की भी रखोगे, तो इसको आपने एक बार बना के रखे, पर जिसमें आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो या निकाल रहे हो, बार बार ट्रांसफर कर रहे हो निकाल रहे हो, उसे हमेशा क्लास 10 की ही दे। तो जो मैंने आपको ये बनाई है वीडियो, ये 5 की स्पीड, वो पेन ड्राइव की स्पीड कैसे बढ़ाई जाए, 5 की, मतलब फाइल ट्रांसफर करते हुए क्लास 4 में कितनी आएगी, मतलब अब अलग आपको 8 MB आसपास मिलेगी, उसके बाद स्लो हो जाती है, कोई दिखाता नहीं, अगर मैं साफ दिखाई कि उसके बाद ये स्लो होती है। जैसे मैंने 6 MB की फाइल ट्रांसफर की थी, जिसको भी ट्रांसफर करता मैं इतनी बना के वीडियो कंप्लीट कर सकता था, पर मुझे पता है वो 8 MB के बाद जो फाइल ट्रांसफर होगी उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, मतलब 8 MB लेगी उसके बाद स्लो कर देती है। और अगर आप क्लास 10 में भी ले रहे हो तो आपको यहाँ जाके डिस्क मैनेजमेंट में जाके उसे आपसे MBR/GBT में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसे जिसमें उसमें ही रहने दीजिए। और इसमें पेन ड्राइव लगाता हूँ मैं, आपको भी पेन ड्राइव में तो जाना, यहाँ पे जाना है प्रॉपर्टीज में और इसे हमेशा इसमें रखना है। पर इसमें रखने का यही है कि आपको पेन ड्राइव निकालते पहले इंजेक्ट करना होगा, इस वाली में अगर आप इंजेक्ट ना भी करो तो भी आपका डेटा करप्ट नहीं होगा, पर इसमें आपको खासकर इंजेक्ट करना है, ठीक है। क्लास 10 में भी अगर आप यूज करो तो इसमें रख दीजिए, अगर आपको और भी तेज स्पीड चाहिए पर इंजेक्ट का खासकर ध्यान रखें। और कोई नई पेन ड्राइव ले लो तो आपको क्लास 10 की ही पेन ड्राइव लेनी चाहिए, और पुरानी है तो आप यही सेटिंग कर सकते हो जो मैंने करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, कोई डाउट वगैरह होगा या कुछ होगा तो कमेंट कीजिएगा, और बाकी इन पेन ड्राइव का लिंक जो जो मतलब बेस्ट पेन ड्राइव है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जो सस्ती भी होंगी, अगर आप आजकल में देख लो तो ये सस्ती भी होंगी। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। I'm gonna go get some more.